Yes, ki to all of you. Uh, Yog Mahadvira And the name of this khand is Vichar And Guruji has explained beautifully the vritis. There are five different vritis. And all those five vritis can be clished or clished, painful or painless. And now how to do the nirod of these vritis? Because that is yoga, yoga chitriti nirodha. So today we will after going through rest of the vritis, like samriti also, nidra also, he is going to tell us that we need to do abhyas. So two things we need abhyas plus Vairagya. So what is abhyas according to Rishi Patanjali? sthito yatano abhyasa. In the footnote it says

Long enough time, consistently, with full faith, only then that kind of abhiyas will become fruitful for us. So this is what Guruji is explaining to us. So let's listen to it. In a very simple Hindi, actually, there's hardly any word which uh, is not understandable by people who know Hindi. So please pay attention and then but ultimately we have to practice all. So that's why this abhyas void is so important. Mangala Bhavana hari Shri Rama Mulaka Pravjaga Sukari. Chay Shri Prabji. ई प्रांत साधु चली आया आय नाथ को माथ झुकाया बैठ गया जब पास वह कहा नाथ है साध अगली वृत्ति तुझे कहूं जिसका कार्य अगा उसका नाम स्मृति लो जान आधार सभी ज्ञान का मान देखा सुना कहा हो जोई स्मरण रहे वह मन में सोई उस वृत्ति को योगी माने स्मृति उसी का नाम बखाने स्मृति के दो रूप भाई स्मृति तो बहु दुखदाई बुद्धि का होए उस से नाश जीवन का भी होत विनाश अभ्रांत स्मृति दूसरी जान सर्व ज्ञान की जो है खान सुनी साध जब गुरु की बात पूछ उस पूछा उसने है जगत रात भ्रांत कैसे हो जाए विनाश बुद्धि का जो कर पाए सरल रूप से नाथ जी मिले आपसे ज्ञान स्मृति कही है आपने ज्ञान सर्व की खान किस विध वह भ्रांत हो किस विध वह विभ्रांत हो स्पष्ट कहे हे देव भ्रांति से तभी बच सके रहे आपकी से कहा नाथ है साध सुजान तेरा प्रश्न ज्ञान की खान इसका उत्तर मैं दे पाऊ राम प्रभु का कथन सुनाऊ राम प्रभु ने जो बतलाया वह स्मरण हो मुझको आया विषयों को जब मन ध्याए स्मृति भ्रांत तब ही हो जाए जिस विषय का करे मन ध्यान उसी का संग करे इंसान संग बढ़ाए काम को मीत विषय प्रीत की है रीत काम का संग क्रोध से जान दोनों का संग अनादिमान काम क्रोध का ऐसा संग दया बाया जैसे अंग क्रोध को अग्नि लो तुम जान समोहन उस का मान स्मृति उसी से हो या विभ्रांत भ्रांत चेत रहे सदा अशांत क्रोध किसी माना रहे जन कामी जब हो उपजत तब ब्रांत फिर हो। हे साधु तुम पूछी बात स्मृति भ्रांत की किस विद हो जात राम प्रभु ने जो बतलाया वह मैं उत्तर दे हूँ पाया प्रश्न और जो तब चित हो पूछ ले वो अब वह भी सोय कहा साध है मेरे स्वामी आप सर्व अंतरयामी वृत्ति के दो रूप जताए संग पांच है भे संग पांच है भेद जताये क्लिष्ट अक्लिष्ट दो ये रूप समझा मैंने वह स्वरूप पांच भेद भी जो बतलाए स्मरण कभी मैंने कर पाए प्रमाण और विकल्प दो भेद मा पाया समझ में बिन खेद विपर्य को भी मैं मैंने जान ली नी निद्रा स्मृति पहचान पांचों की मी अकलिष्ट हो और वे सभी क्लिष्ट स्पष्ट बताए नाथ जी जिमी हो भ्रांति नष्ट सुनी साधकी यह जिग्यास स्वामी लाए मुख पे हास और कहा है प्रिय ममता सीधी सी तो है यह बात एक उदाहरण दे बतलाओ तेरी सारी प्रांति मिटाऊ एक पुरुष हम आता देखे प्रत्यक्ष रूप उसे उल्लेखे प्रत्यक्ष वृत्ति यही मन ममतात रूप दो की कहूं अब बात सरल दृष्टि से उसको देखो अथवा मित्र भाव से देखो तब यह वृत्ति हो अक्लिष्ट अब समझो वह किमी हो क्लिष्ट मन में आये वह शत्रु आता भयभीत तब मन हो जाता वह वृत्ति भई क्लिष्ट तब दोनों रूप स्पष्ट जो पूछी थी बात तुम क्या तव भांति नष्ट यदि जिज्ञासा और हो आना साय कहना बिन संकोच तुम तेरे सुने सवाल उसे कहा उस उसे कह स्वामी उठ पाए अपनी कक्ष में सायम भई साधु चल आया आचरणी दनवट कर पाया स्वामी जी ने कही तब बात पूछो प्रश्न जो हो बोला साध है योगी राज मन में प्रश्न नहीं कुछ आज भेद वृत्ति न के लीने जान और उसके रूप पहचान क्लिष्ट अक्लिष्ट व उनके भेद यह भी समझ पाया बिन खेद एक बात थी आप बताई वृत्तिरोध की थी कथ पाई उतंग तरंगो के समरूप वृतियन का आप कहा कथा स्वरूप। का स्वरूप जो कहा तरंग समान किस उस किस विद उनकारोध हो यह चाहू मैं ज्ञान सुन कर उसकी मार्मिक बात नाथ कहा प्रिय ममता यह जिज्ञासा योग की मूल शाश्वत कहूँ मैं एक असूल वृत्तिय का सभी वृत्तियन का तभी हो निरोध दो का हो जब दृढ़ दो ही कारण रोध के जान तीजे की नहीं कर पहचान बोल उठा तब साध सुजान उनका मुझको दीजो ज्ञान दोनों कारण मुझे बताए सरल रूप से सब समझाए मैं आए तुम आज्ञाज हो ज्ञान मुझे करो सनात इतना कथ उस शीश झुकाया आशीष दे तब नाथ बताया स्वामी बोले वचन तब हे साध नूतन कहू न बात में ज्ञान कहू प्राचीन उपाय रोध के दो ही जानो प्रथम तुम वैराग्य पहचानो अन्य तो अभ्यास है भाई इन बिना नहीं योग कमाई कहा साध है गुरु महाराज मिले ज्ञान अभ्यास काज साधक करे कैसा अभ्यास जिससे पाए वह सीधी खास सुन कर उसकी यह जिज्ञास बात बताई योग की खास हे है साधु मैं तुझे बताऊं अभ्यास का स्वरूप जताऊ एक लक्ष्य पर चेत ठिकाना शास्त्र यही अभ्यास बखाना जिससे चेत स्थिर हो जाए साधक यत्न वही कर पाए जो यत्न साधक करे चेत स्थिरता है वह अभ्यास कहलाए सीधी पाने हेत कहा साध हे नाथ प्यारे मन मेरे में संशय भारे, उनका समाधान कर भार मेरा मार्ग सुखद बनाओ प्रथम बताओ हे ममनाथ कहा स्थिर कर मन बने सनात दूसरी बात यह मम स्वामी कि मीट के चित अंतरयामी मन स्थिरता न सुगम है देव कथन करे इसके कुछ भेद सुन कर नाथ कहा है साथ जो चाहे लू योग आराद, निश्चित करे वह निज का लाक्ष जो बतलाए सद गुरु दाक्ष यह दो यह तो आगे चल कर चल बतलाए दूसर बात अभी कह पाए करके श्रवण साधु कह पाया नाथ जी मी है आप फरमाया वही ज्ञान तुमसे सुन पाऊ और चेत में स्थिरता पाऊ कहा नाथ अभ्यास की बात तुझे कहूँ मैं स्पष्ट है प्रथम जानो मन का स्वभाव फिर मैं कहूँ कहूंगा अपने भाव ठीक बात तुमने कही हम जो है सुन पाए मन प्रमाथी है बड़ा सहज नवश में आय मन चंचल बलवान भी दुनी, दुरनी ग्रही कहा इसको अति जान लो सहज नवश में आए जागृत में मन भागता सोते चैन न पाय आंधी सम चलता रहे सहज न वश में आय मन हृदय में बैठ कर सर सकल कर्म कर पाय अजर अमर उसको कहे सहज नवश में आय सहज नवश में आय मन ऋषयन फरमान, दृढतम ही अभ्यास कर जन सफलतापन् जब सादने, का फरमान जोड कहने लगा। हे मेरे भगवान श्री प्रभु जी की जय शरणम् श्री जी की जय शरणम् दृढतम अभ्यास बखान। होवे किस निधान क्या वह सकू मैं कर अभ्यास जानन चाहू बात खास कहा नाथ है साध सुजान दृढ़ संकल्पी जो इंसान असंभव उसको कुछ ना हो असंभव उसको कुछ न हो सफलता उसके पग को धोय। पर यह तुमको स्पष्ट बताऊ नियम जो इसके हेतु कथ पाओ तीन नियम तुम मोख लो जान सफलता उन उनके आश्रितमान, दीर्घकाल प्रथम है भाग निरन्तर श्रद्धा नियमती जालो मन ये हि तीन तीनो नियम लो तीन नियम के आसरे द्रिदतम हो यभियास। करे उलंक ननेमका। मिले न कुछ भी खास। कल प्रातह तुम चल कर आन। विस्तृत बात तभी सुन पान। स्वामी कह इस्विद उठ पाए। क्ष वे धाय श्री प्रभु जी की जय शरणम् श्री गुरुदेव जी की जय शरणम् मंगल भवन मंगल हारी। राम प्रभु जी जग सुखकारी जय श्री प्रभु जी के